शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मेरी हेल्प नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, ये आरती तो ले लो, भगवान जी से क्या दुश्मनी है, लो। हे तुलसी माँ, आज 12 बजने से पहले हमें 3 परीक्षाओं से गुजरना है, हमें शक्ति देना। सब कुछ हो गया श्रेया, हाँ जाकर नींबू लेकर। हाँ हाँ इस बार आत्मा बन जाए बस। कैसे हो सकता है ऐसा, तो सिर्फ कोई कड़वी चीज मिलाने पर होता है जो मैंने मिला ही नहीं। क्या पंगा है ये, अब मुझे क्या पता था कि नजर उतारने वाले नींबू से बम फटेगा। नहीं ये नहीं हो सकता। चुप ही रहती हो, सच बताया तो ये उर्वशी अभी यही मेरी कब्र बना देगी। ओम त्र्यंबक यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वृपन्दनं वृद्ध्योर्मोक्षे यमामृतात्। ओम त्र्यंबक यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वृपन्दनं वृद्ध्योर्मोक्षे यमामृतात्। इन नींबुओं को हर अलग अलग कोने में डालकर आधा करती हूँ, जो भी बुरे साये का प्रभाव है वो घट जाएगा। डरावनी आवाजें आएंगी पर डरना मत, ऐसा होने के बाद ही आत्मा का असर कम होगा और तभी तुम दरवाजा खोल पाओगी। गायत्री मंत्र का उच्चारण मत छोड़ना। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वृपन्दनं वृद्ध्योर्मोक्षे यमामृतात्। हे माता रानी, बस अब एक आखिरी चीज बची है और उसके बाद ये बंद दरवाजा खुल जाएगा और फिर हम गौरव को उर्वशी के वशीकरण से बचाने में सफल होंगे। हमारी परीक्षा पूर्ण रूप से समाप्त होगी। हे महादेव, हमारा साथ देना। हर हर महादेव। कोई कंफ्यूजन है? कोई क्लॉज समझ नहीं आ रहा हो तो पूछ लीजिएगा। नहीं, क्लॉज तो सब ठीक है, लेकिन लेकिन क्या? हम बस यही सोच रहे थे कि उर्वशी की कंपनी के 49% शेयर इन्वेस्टर के नाम कर देना क्या ठीक होगा? हम प्रोपराइटर को भी नहीं जानते हैं और एंजल इन्वेस्टर से भी अभी तक हम मिले नहीं हैं। समझ में नहीं आ रहा है।
आप उन्हें नहीं जानते पर वो तो आपका बैकग्राउंड जानते हैं ना, तभी इतना एडवांस कैश भेजा है। आप ज्यादा मत सोचिए, एक डूबी हुई कंपनी के लिए करोड़ों का लोन देने वाला लाखों में भी नहीं मिलेगा, बाकी आपकी मर्जी। एक मिनट बैठिए गौरव, हमारे पास कुछ नहीं बचा है और ये मौका ऐसा दोबारा नहीं मिलेगा। ऊपर से मौका हमारे पास चल के आया है, सोचो मत। और वैसे भी घर आई लक्ष्मी को ठुकराना नहीं चाहिए, साइन कर दो। हमारे कंपनी का अभी कोई वजूद नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है कि कितने शेयर्स हैं और कितने शेयर्स नहीं है। देखो हमें पैसों की बहुत जरूरत है, हम तो कहते हैं कि साइन कर दो। थैंक यू, ये आपका कैश। कहा था ना गौरव, सब ठीक हो जाएगा। कदम मिलाकर तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, लेकिन परछाई बनकर तुम्हारे दो कदम पीछे तो मैं चल ही सकती हूँ तुम्हें संभालने के लिए। 10 बज गए, आखिरी विधि का समय हो गया है। इस बार कोई गड़बड़ ना हो। अब तक परीक्षाएं थी, अब अग्नि परीक्षा होगी। इन कोयलों पर खड़े होकर तुम्हें 107 बार महामृत्युंजय का जाप करना होगा, बिना रुके बिना गिरे। विधि खत्म होने के बाद इन कोयलों को उस बंद दरवाजे के सामने रख देना, तो दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। आओ शुरू करो। सौ सुइयां चुभा दी। लगता है कि कोई वो बंद दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ
कुछ तो है यहाँ जो दिखाई नहीं दे रहा। तो हमें पक्का यकीन हो गया है कोई तो है यहाँ। हेलो, हमारी बात ध्यान से सुनिए। तुम्हारी लाल किताब की विद्या तुम पर खुद भारी पड़ गई। अभी तक तुम सिर्फ मेरी कैद में थे, पर अब तुम मेरी गुलाम हो। अब मैं जैसा कहूंगी तुम बिल्कुल वैसा ही करोगे। अब उस दरवाजे को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दो, ताकि जो तुम्हें ढूंढने आई है उसकी कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अब जल्दी से यहाँ आ जाइए। हम आपको क्या बताएं, यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ है। आप जल्दी आइए। ऐसा क्यों लगा जैसे किसी ने आवाज दी, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। हेलो, हाँ हाँ कर दीजिए। देखिए लोन बहुत मुश्किल से मिला है, कोई देरी नहीं होनी चाहिए। हाँ, हम पेपर्स लेकर आ रहे हैं। भला हो इन एंजल इन्वेस्टर वालों का, कोई क्लॉज आपत्तिजनक नहीं लगा हमें। ऐसे फरिश्ते को तो मिलकर धन्यवाद करना चाहिए। अरे उठो उठो, चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जल्दी ये सब समेट देता हूँ, गायत्री मैडम ने देख लिया तो बहुत गुस्सा होंगी। अच्छा, हम तुम्हारी मदद करते हैं। ये कंगन, ऐसे गहने तो इस घर में कोई भी नहीं पहनता है, तो फिर ये कंगन है किसका? ये
ये कौन सी ताकत है जिसके आगे मेरे वशीकरण का असर कमजोर पड़ रहा है? प्यार की ताकत है गौरव, तो कोई काली शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। आकाल, त्रिकाल, भौकाल, ये सब मेरे आगे कुछ भी नहीं है। तो फिर उस ताकत की क्या औकात? मैं उसे जड़ से मिटा दूंगी। नहीं चाहिए तुम्हारी कोई मदद, तो फिर फाइनेंसर बनने का नाटक क्यों किया? ये क्या कह रही हो? भाई जो सच है, क्या ये? क्या ये? समझती क्या हो तुम अपने आप को? पैसे वाली हो तो कुछ भी खरीद सकती हो, तुम इंसान खरीद सकती हो, किसी का आत्मसम्मान नहीं। हम सिर्फ तुम्हारी मदद कर रहे थे। तुम हमारी मदद नहीं कर रही थी, तुम हम पर एहसान कर रही थी। तुम मददगार नहीं हो, तुम सिर्फ एहसान जताना जानती हो। तुम ये बताना चाहती थी कि तुम बड़ी और हम छोटे हैं। जब हम अपने दम पर कुछ करना चाहते थे तो करने क्यों नहीं दिया? क्योंकि तुम देख नहीं सकती हो कि कोई जमीन से उठकर तुम्हारे बराबर आकर खड़ा हो जाए। हम तुम्हारी मदद कर रहे थे और शुक्रिया की जगह तुम ये सब बोल रहे हो। अगर थैंक यू नहीं बोल सकते थे तो कम से कम प्यार के दो शब्द तो बोल लिए होते। अरे जो पैसे की भाषा समझती है वो प्यार की भाषा क्या समझेगी? तुम जो हो ना, हम तुम्हें अच्छे से समझते हैं। पहले घर पर कब्जा किया, उसके बाद उर्वशी की कंपनी के 49% शेयर पे अपना हक जमाना चाहती थी, वो भी धोखे से। लेकिन एक बात सुन लो, तुमने पहले घर पर नजर डाली, उसके बाद बिजनेस पर नजर डाली, और पता नहीं किस पर नजर डालना चाहती हो। हम तुम्हें इस घर का एक दिन का भी और नहीं लेने देंगे। हम तुम्हें चैलेंज करते हैं, जितने पैसे में तुमने ये घर खरीदा है ना, उससे 125 ऊपर तुम्हारे मुंह पर मारकर ये घर वापस खरीदेंगे और तुम्हें थक्के मार के इस घर से बाहर निकालेंगे। आपने एक घर खरीदा है, हमें नहीं, इसलिए धमकियां मत देना। हम धमकी नहीं, सलाह दे रहे थे इसे। अरे नहीं चाहिए आपकी कोई सलाह, समझिए आप। ये जादू टोना कहीं और जाकर करिए, हमारे ऊपर नहीं। जादू टोना नहीं कर रहे थे, और अगर जादू टोना नहीं कर रहे थे तो आप यहाँ पर क्यों आती है बार बार, ये बताइए हमें। इस तरह से जुबान आप जैसे चोरों की बंद होती है, समझिए आप। हमारी जुबान ही तो सब कुछ है। अच्छा कह दिया तो अर्श पर, और बुरा कह दिया तो फर्श पर। अब देखते हैं हमारी जुबान क्या कहती है। आज के बाद तुम इस अधूरे प्यार की पूरी कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।